सोलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने विजिट किए थे हमारे फ्रेंड्स हैं उनके कलीग्स के शॉप पे, और वहाँ पे पेंटिंग शुरू थी कि एक साइड की बैटरी का मतलब काम शुरू था। तो ओवरऑल कंप्लीट होने के बाद में हमने वो वीडियो बना के नहीं लाए। अभी हमें कुछ कमेंट्स आए हैं सो हमने सोच लिया कि वीडियो बना देते हैं, और अभी लॉकडाउन का भी सीजन शुरू है सो यहाँ पे हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर वीडियो को पूरा देख लीजिए और किस तरीके से सेटअप किया गया है प्राइसिंग के साथ में पर्टिकुलर सभी के जो जो उन्होंने यूज़ किया है उसमें पेंट से लेके इलेक्ट्रिक फिटिंग से लेके सब कुछ, उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग हम बताने वाले हैं और सेटअप कैसे दिखता है, तो सब कुछ आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखकर सब कुछ पता कर लीजिए। तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एंट्रेंस यहाँ से है, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है। बाहर एमरॉन का बोर्ड लगा है ताकि अच्छे से शॉप दिख पाए, मतलब जो ब्रांडिंग होती है ब्रांडिंग के लिए एक काफी अलग इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है एमरॉन का, साथ ही एक साइड का भी यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं आप। और यहाँ से ये है बैटरी शॉप, तो ओवरऑल आप यहाँ से देख सकते हैं, आप पहले देख लीजिए उसके बाद में वन बाय वन हम सब कुछ आपको बताएंगे। ये एंट्रेंस है और ये यहाँ पे एंट्रेंस में आपको कांच दिख रहा है, ये अच्छा दिखता है दिखने में। और लॉकडाउन की वजह से शॉप बंद है तो सामान सब अंदर ही है, और ये टेबल फर्नीचर और ये रेड पेंट। अभी आप ओवरऑल यहाँ से देख लीजिए, पहले आप ओवरऑल शॉप देख लीजिए, वाइट पेंट, ये कांच, ये डिस्प्ले और ये एक साइड के लिए रेड पेंट। ऊपर में भी देख लीजिए पीओपी, और ये यहाँ पे लाइटिंग का सेटअप है, अंदर में भी किया गया है एक स्मॉल शोरूम के तरह है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये सीढ़ी जो शॉप की अच्छी खासी शान आप बोल सकते हैं, और सब कुछ ओवरऑल कितना खर्चा आया आपको बता देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांच का इन्होंने बनाया हुआ है डिस्प्ले के लिए, तो दिखने में काफी बेहतरीन शॉप दिखती है। ओवरऑल आप ये पेंट है देख लीजिए, रेड पेंट, डार्क पेंट, महंगा कॉस्टली पेंट है, वॉशेबल है, कुछ भी यहाँ पे गिरेगा तो वो वॉश कर सकते हैं। सो अभी हम वन बाय वन सबकी कॉस्टिंग आपको बता देते हैं। सीढ़ी भी आप देख सकते हैं, और ये चार्जर, तो यहाँ पे आप जैसे तीन रैक देख रहे हैं, ये दो रैक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये एक रैक यहाँ पे लगा हुआ है। सो रैक की कॉस्टिंग अगर हम बात करेंगे रैक की, सो ये लगभग 7000 रुपए की ये कॉस्टिंग जाती है रैक की। और ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, ये एक सीढ़ी है, और बाहर में ये बोर्ड के साथ में एंगल लगे हुए है, ये ओवरऑल ये 10,000 के करीब बना गया है। और बाद में बात करेंगे ये कांच की जो डिस्प्ले के लिए बनाया गया है, और बाहर में जो हमने आपको कांच दिखाया है वो टोटल 10,000 रुपए की उसकी कॉस्टिंग हो गई। और बाद में पेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल पेंट, व्हाइट पेंट, और जो पेंट के लिए किसी को आप देंगे तो ओवरऑल उसका बजट 3,000 रुपए पकड़ के चलिए। और यहाँ पे पीओपी देख रहे हैं, साथ में ये लाइटिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग ये भी करी गई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवरऑल ये इसके भी आप 5,000 रुपए, 3 से 5,000 रुपए पकड़ के चलिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फिटिंग साथ में लाइटिंग और उसमें ये फैन भी आ गया, ये आप देख सकते हैं फैन। सो ओवरऑल 5,000 रुपए आप इसके पकड़ के चलिए। ये फर्नीचर आप देख सकते हैं नीचे, ये टाइल्स की ये जो सिंपल सी शीट आती है 2,000 रुपए की, और टेबल, टेबल की कॉस्टिंग 5,000 रुपीज, और कुछ आपके जो बोर्ड्स वगैरह रहते हैं उसके कुछ 5,000 रुपए पकड़ के चलिए। सो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन लगाते हैं सो ये लगभग आपका 40,000 रुपए का जाता है, हमने एक कैलकुलेशन जो आपको बताया वो 40,000 रुपए का गया है। और जो आपका बैटरीज हो गया, उसके बाद भी चार्जर हो गया, ये आप देख सकते हैं। चार्जर के लिए भी हमें क्वेश्चन आया था कि कौन से चार्जर कहाँ से खरीदे, तो कंपनी के चार्जर नहीं आते, ये आपके एरिया में कोई फेमस लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा उससे खरीदिए। ये हमारे एरिया में पीसी का चार्जर आप देख सकते हैं, फोर व्हीलर के लिए और ये टू व्हीलर के लिए, यहाँ पे हमने अलग से स्टैंड बनाया इसके लिए। सो ये चार्जर की कॉस्टिंग है दोनों मिला के 25,000 रुपए, ये काफी पहले लिया गया है। सो आपके एरिया में, लोकल एरिया में कोई चार्जर होगा या कोई मैन्युफैक्चरर होगा आप उससे ही खरीदे, कंपनी के चार्जर शायद मुझे पता नहीं पर काफी कॉस्टली आ सकते हैं, पर लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदिए, ये ब्रांडेड है पीसी का, काफी लोग यूज करते हैं हमारे एरिया में और कॉस्टली भी है। सो एक बार ही लेना होता है तो कॉस्टली आप खरीद लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सो इस तरीके से ओवरऑल जो हमने देखा है, इस तरीके से आपका शॉप अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो बाहर में डिस्प्ले के लिए कांच, यहाँ पे बैटरी लगी है, तो इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं आप।
उसके बाद में यहाँ पे रहेगा आपका टेबल, ये भी देख सकते हैं आप, एक साइड का जो रेड कलर है और वाइट उसमें बनाया गया है, उसके पीछे यहाँ पे रेड कलर का पेंट जो डार्क है, सो ये काफ़ी उठ के दिखती है आपकी शॉप। उसके बाद में इस तरीके से सेटअप किया है अंदर में कांच का सेटअप, और ये रैक यहाँ पे ऐसी, और इस तरीके से यहाँ पे एक सीढ़ी बनाई गई है, और ये सज्जा मिलता है, यहाँ पे आप स्क्रैप रख सकते हैं पीछे में। तो ओवरऑल एक स्मॉल छोटा शॉप इसको बोल सकते हैं आप, एक स्मॉल शोरूम वो भी बोल सकते हैं आप। अगर आप अच्छा खासा अगर सेटअप करते हैं तो छोटी शॉप भी काफ़ी अच्छी दिखती है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी शॉप दिखेंगी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, पर शॉप से ही नहीं होता है, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा और मार्केटिंग पब्लिसिटी करने पड़ेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने आपको दिखाया है, तो 35-40 हज़ार रुपये में सब कुछ सेटअप हो गया है, सिर्फ सेटअप हो गया है, और बाकी बैटरीज और चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए डीलरशिप कैसे लेना है, हमारे अलग से वीडियो बने हैं, सो उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं, और ओवरऑल आप ये सब कुछ देख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी है आप समझ गए होंगे, और कितना कॉस्टिंग गया है आपको सब कुछ पता चल गया होगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन सवाल आपके मन में होगा तो क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, उसके अगेंस्ट में आंसर दे देंगे और वीडियो बना के भी ला लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ नहीं मिलते सीखने वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।